Anche Anna? अभी हम जा रहे हैं माता फूकनी के मंदिर में, ये लगवेली में पड़ता है। तो आप देख ही सकते हैं कितनी चढ़ाई चढ़ के हम यहाँ पर आए हुए हैं। और ये हमारी दीदी हैं जो अभी बहुत थक चुके हैं। तो यहाँ की लेडीज़ बहुत स्ट्रगल करती है। मैं भी दिखाता हूँ आपको कितना भार उठाकर बढ़ रहे हैं ये। हाँ, तो ये यहाँ पर एक माता का मंदिर है जहाँ पर हम दर्शन करेंगे। इस माता की बहुत मान्यता है। मैं बहुत थक चुका हूँ और मुझे सांसें चढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं कितना फिसलन भरा रास्ता है और हम वहाँ से जा रहे हैं। चढ़ाई भी बहुत है और सामान भी बहुत ज़्यादा है। फिर भी माता रानी का आशीर्वाद है जो हम इस चढ़ाई को पूरा कर रहे हैं। हाँ जी, खुली 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 है। तो हम देख सकते हैं इतने हाइट चढ़ने के उपरांत हम माता फूकनी माता मंदिर लगवेली पहुंच चुके हैं और सांसें मेरी लड़खड़ा रही है क्योंकि चढ़ाई बहुत है। देखिए किस प्रकार हम पहाड़ों का सामना करते हुए, एक व्यू दिखाना चाहूँगा मैं अब आपको बिजली महादेव का। तो ये सामने बिजली महादेव का पहाड़ है, बीच में बिल्कुल उसके बिल्कुल दूसरी साइड में माता फूकनी का मंदिर है। किस प्रकार सभी अपना सामान लेके, और एक बात ये भी है कि इतने ठंड में हम यहाँ पर रात गुजारेंगे पूरी रात। और आप देख सकते हैं ठीक इसी नीचे हाइट में स्नोफॉल भी हो रखा है। तो हम कभी हाइट पे आ गए हैं। मैं आपको फोकस करना चाहूँगा स्नोफॉल पे। तो इतनी हाइट पे हम बाहर रात गुजारेंगे। ये यहाँ का खूबसूरत नज़ारा जो श्रद्धा ही है हमको यहाँ पर खींच के लेके आती है। माता फूकनी, तो हम माता फूकनी के दरबार में हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत शांति और चमड़े का सामान, यहाँ पर चमड़े का सामान जूते और सब अनिरुद्ध है। तो यहाँ पर शांति का भी थोड़ा दान दे के रखें। आजा जूते पहनाओ इसको। तो यहाँ पर स्नोफॉल हो चुकी है। तो इसी जगह पर हम सारी रात, तो आप जैसे कि देख सकते हैं हम माता फूकनी के दरबार में पहुँच चुके हैं और चारों तरफ बर्फ और मनोहरम दृश्य, बहुत ही शांति। और इस शांति में हम शाम को भजन कीर्तन का आनंद लेंगे। तो दूर दूर तक दृश्य आप देख सकते हैं और श्रद्धालुगण सूखी लकड़ियों को जलाते हुए रात को खाने का इंतज़ाम वगैरह, और छोटे छोटे बच्चे आए होते हैं साथ में तो उनको थोड़ा ताप तपिश बहुत ज़रूरी होती है कि वो बीमार ना हो जाए।
तो देख सकते हैं हम इतनी हाइट पे एक श्रद्धा भावना, और हम जो हिंदू हैं हिंदुत्व की एक मिसाल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि किस प्रकार हम इतनी हाइट पर अपने कुल्ज और जो हमारे देवी देवता हैं उनके समक्ष आते हैं, उनको अपना शीश नवाजते हैं। तो हम अभी हैं फुंगनी माता मंदिर, आपको मैं थोड़ा सा माता के मंदिर का दर्शन कराते हुए, तो ये जो शक्ति है यही हमें पैदा करती है और यही हमें समाप्त करती है, तो इनका अनुसरण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में बहुत से लड़ाई झगड़े जीना मरना है, लोग पैसों में उलझे पड़े हुए हैं, और यहाँ आके लगता है कि ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि जो हम शांति चाहते हैं वो हम जितना मर्जी मेहनत कर लें जितना मर्जी पैसा कमा लें पर वो शांति आपको नहीं मिल पाएगी। तो माता रानी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे यही कामना करता हूँ। जय माता दी, जय माता फुंगनी। तो अभी हम जा रहे हैं बर्फ़ के बीच में लकड़ियों की तलाश में, हमारे गाइड मिस्टर पदम ठाकुर जो मेरे जीजू लगते हैं रिश्ते में, तो देख सकते हैं कितनी मशक्कत मेहनत करनी पड़ती है पहाड़ के लोगों को। तो हम सूखी लकड़ियों को काटेंगे जो पहले ही गिर चुकी है, तो उनका सहारा लेकर आ जाओ आ जाओ आ जाओ।